हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मॉडल कैन और कुड को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैन को। कैन यानी होता है सकना, जिनका उपयोग हम योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, क्षमता को, जो शारीरिक, मानसिक या परिस्थिति के हिसाब से कोई भी योग्यता हो सकता है। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मॉडल के प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यू कैन प्रूव द बेस्ट योर सेल्फ, आप स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। सी कैन फेस एनी ट्रबल, वह कोई भी समस्या को सह सकती है। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई, पक्षियां आकाश में उड़ सकती हैं। अगला है नीरज कैन विन द प्राइज, नीरज इनाम जीत सकता है, पुरस्कार जीत सकता है। तो इनका हम नेगेटिव इंटरगेटिव वाक्य भी बना लेते हैं, जैसे कि हम टेंस में बना रहे थे। इनका नेगेटिव होगा नीरज कैन नॉट विन द प्राइज, नीरज पुरस्कार नहीं जीत सकता। इंटरगेटिव है कैन नीरज विन द प्राइज, क्या नीरज पुरस्कार जीत सकता है। नेगेटिव इंटरगेटिव है कैन नीरज नॉट विन द प्राइज, क्या नीरज पुरस्कार नहीं जीत सकता है। हम यहाँ मॉडल कैन को हेल्पिंग वर्ब की जैसे यूज़ करते हैं, जिसके बाद नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और कैन को सब्जेक्ट के पहले रखकर इंटरगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुड। कुड यानी होता है सका या सकता था। कुड जो कि कैन का पास्ट फॉर्म है, इनका उपयोग हम भूतकाल की योग्यता, क्षमता या सामर्थ्य को बताने के लिए करते हैं। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मॉडल कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि पहला आई कुड रन फास्ट बिफोर 2 ईयर्स, मैं 2 साल पहले तेज दौड़ सकता था। फिर वी कुड स्पीक इंग्लिश इन स्कूल, हम स्कूल में अंग्रेजी बोल सकते थे। यू कुड डिफीट मी इन चेस, आप शतरंज में मुझे हरा सकते थे। सी कुड सिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज, वह मंच पर गाना गा सकती थी। ही कुड गेट 90% इन 10th class, वह 10वीं कक्षा में 90% प्राप्त कर सकता था। अब हम 5वें वाक्य का नेगेटिव इंटरगेटिव बनाते हैं, जैसे ही कुड गेट 90% इन 10th class, वह 10वीं कक्षा में 90% प्राप्त कर सकता था। नेगेटिव, ही कुड नॉट गेट 90% इन 10th class, वह 10वीं कक्षा में 90% प्राप्त नहीं कर सकता था। इंटरगेटिव है कुड ही गेट 90% इन 10th class, क्या वह 10वीं कक्षा में 90% प्राप्त कर सकता था। नेगेटिव इंटरगेटिव है कुड ही नॉट गेट 90% इन
टेंथ क्लास, क्या वह दसवीं कक्षा में 90% प्राप्त नहीं कर सकता था? अब ठीक इसी प्रकार से आप बाकी सेंटेंस को बना सकते हैं। हम सभी मॉडल को हेल्पिंग वर्ब के जैसे उपयोग करते हैं, जो कि एकवचन और बहुवचन सभी सब्जेक्ट के लिए समान रूप से उपयोग होता है। इन सेंटेंस का आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाकर मुझे सेंड करेंगे।